मेरा नाम एसपी गुप्ता सत्य प्रकाश गुप्ता है। मैं डीडीएसएस एच सिविल इंजीनियर अप्रैल 2013 में रिटायर हुआ हूँ। मैं ये कैटरेक्ट का बारे में 3-4 साल पहले ही पता लगा था। उसके बाद में मेरे बेटे ने ही मुझे बताया था यहाँ के I7 में आपको चेकअप कराओ, अच्छा है। तो मैं यहाँ I7 में आया, डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा अभी 6-7 महीने बाद आप करा सकते, अभी नहीं ऐसी कोई बात। फिर मैं 6-7 महीने बाद आया, डॉक्टर साहब से मिला तो उन्होंने मुझे नवम्बर 2021 को कर दिया था। उसके बाद में फिर से लेफ्ट आई का कराया था, लेफ्ट आई का अभी हुआ है मेरा 14 दिसंबर 2022 को। पहले मुझे प्रॉब्लम्स ये आ रही थी, चश्मा का नंबर बढ़ता जा रहा था, दोनों पास का भी दूर का भी। तो चश्मा से जब बाद में जब डॉक्टर साहब ने बतलाया कि ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना जरूरी है, तब मैं यहाँ आया और कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया। मैंने मेरे बेटे हैं दीपक कुमार, इन्होंने ही मुझे गाइड किया पूरी तरह से। इन्होंने यहाँ पहले कंटूरा कराया था सबसे पहले इन्होंने। आई साइट तो मेरी उतनी नहीं थी, लेकिन फिर थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी ड्राइव करने में भी, और थोड़ा दूर का भी हल्का सा ब्लर दिखने लग गया था। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि कंटूरा इज वेरी मच सेफ। 2021 में कंटूरा हो गया था, तो मेरा विजन जब से बहुत क्लियर है। उसके बाद फिर मेरा इन्होंने यही राय दी कि आप यहीं कराइए, एडवाइस इनकी मान करके मैं यहाँ आया। और मुझे बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ, भगवान की कृपा से मेरी दोनों आंखें अब ठीक हैं और मैं विदाउट चश्मा देख सकता हूँ। पहले इनकी आई टेस्ट कराई थी हमने, तो फिर कैटरेक्ट निकला था। उसके बाद ही हमने प्लान करा कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। हमने पूरी संतुष्टि से टेस्टिंग कराई, उसके बाद जो आई की कंडीशन है उसको देखते हुए मोनोफोकल डेप्थ ऑफ फोकस आपका विविटी लेंस एलकॉन वाला वो ही रिकमेंडेड है। तो उसके बारे में यही बताया था कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक मैनुअल होता है, दूसरा लेज़र से होता है। बेनिफिट्स थे उसको ध्यान रखते हुए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली सर्जरी कराई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डायबिटिक होने की वजह से लेजर को ही चूज किया हमने। मैं डायबिटिक हूँ। पहले कराया था नवंबर 2021 में, 19 नवंबर, और उसके बाद जो फर्दर टेस्टिंग हुई, लेकिन लेफ्ट आई में उतना डेवलप नहीं हो पाया था कैटरेक्ट, तो हमने 6 महीने का इंटरवल लिया और उसके बाद हमने ऑपरेट कराया। तो इसीलिए हमने दोनों ही आंखों में सेम लेंस डलवाया। हाँ, बदलाव तो सबसे पहले आया कि चश्मा वगैरह हट गया, चश्मा से जो दिखता था। दूसरा, बिना विदाउट चश्मे से देखने में नज़र बिल्कुल जैसी पहले थी वैसे ही हो गई है। वैसा पहले नज़र जो थी उसमें धक्के से आते थे, काला सा दिखाई देता था, लेकिन अब ऑपरेशन के बाद में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही हो गया है और चश्मा हट गया है। चश्मा हटने से जो है थोड़ा चेहरा भी ठीक लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा। एक बार रीड करना है सर। PETCSZRHKFDUVPEC KRSFHTZDUEPVCF परफेक्ट, लास्ट लाइन जो है ना 606 लाइन है। एक बार आपको नया विजन चेक करता हूँ मैं। एक बार यहाँ देखिए सर, इस नेचुरल प्रोसेस फॉर्म कॉन्टैक्ट कैटरेक्ट इन द कोड काउंट। ठीक है, सो आपका इन 6 नॉर्मल लाइन हो तो वो भी रीड कर पा रहे हो, 6-6 डिस्टेंस का नॉर्मल लाइन है वो भी रीड कर पा रहे हो, और नियर का कह रहे हैं चश्मे के, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, होगी जब ज़रूरत तो मैं बनवा लूँगा यहाँ से। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, I7 बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मैं सभी को राय दूंगा कि यहाँ सभी लोग आएँ, और बहुत अच्छी केयर होती है, साफ़ सफाई बहुत, मेंटेनेंस अच्छी है यहाँ, सब कुछ बहुत बढ़िया लगा जी। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और यही दुआएं करता हूँ, भगवान खूब अच्छी तरह से आप लोगों को खूब फलें फूलें अच्छा वो करें।